नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में नीलम पार्क में शासकीय महाविद्यालय में काम करने वाले अतिथि विद्वान पीएससी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अतिथि जो कि पिछले कई वर्षों से महाविद्यालय में कार्यरत हैं, इनका यह धरना इस बात पर है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े बड़े वादे किए थे, जबकि आज तक उन वादों को पूरा नहीं किया गया। यह धरना प्रदर्शन उनके किए हुए वादों को याद दिलाने के लिए किया गया है। उस चीज से एक चीज ये स्पष्ट हो रही है कि हमारे साथी कहीं ना कहीं उदासीनता की स्थिति में चले आ रहे हैं। बार बार लोगों के दबाव फोन के कारण कई बार ये कहा गया कि आज की स्थिति में अतिथि विद्वान जो है वो उसकी जब तक मनोदशा को चेंज नहीं करना पड़ेगा तब तक हम आंदोलन करने की स्थिति में नहीं आए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर देवराज सिंह, संयोजक अतिथि विद्वान निमित्तीकरण संघर्ष मोर्चा। आज नीलम पार्क में किस तरीके का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या क्या मांग है आपकी? हम लोग शासकीय महाविद्यालय में कार्य करने वाले अतिथि विद्वान हैं और पिछले कई वर्षों से हम लोग जो है इन महाविद्यालयों में कार्य कर रहे हैं। इससे दो साल पहले भी पीएससी की परीक्षा हुई थी, वर्तमान में इस सरकार ने भी पीएससी की परीक्षा जो है उसका विज्ञापन निकाल दिया है। हमारे ये धरना इस बात पर है कि ये हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान है, ये 16 दिसंबर 2019 को शाहजहानी पार्क में हमारे धरने में आए थे। उस समय हम लोग भी पीएससी के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारी नौकरी सुरक्षित करी जाए। आज हमने जो धरना दिया है ये माननीय मुख्यमंत्री जी को दिसंबर 2019 में किए गए वादे को जो उन्होंने किया था उसको याद दिलाने के लिए किया गया है। आपने उस समय कहा था कि अतिथि विद्वानों को नियमित किया जाए, अगर जगह नहीं है तो कॉलेज खोले जाएँ। हम उनसे पुनः आग्रह कर रहे हैं कि आप एक लोकप्रिय नेता होने के नाते आपका जो कर्तव्य है, आपने जो अपना वादा निभाया था उस वादे को निभाते हुए अपना वचन पूरा करें और हमारे सामने जो बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो गया है उसको दूर करके हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। अगर अभी आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो अगला क्या कदम रहेगा आपका? हम ये कई चरणों में आंदोलन चलाएंगे और आज हमारा भोपाल में ये पहला चरण है और अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आज इसमें कहां-कहां से अतिथि विद्वान आए हुए हैं? अभी इस धरने में पूरे प्रदेश के अतिथि विद्वानों का प्रतिनिधित्व हो रहा है और कई लोग रास्ते में हैं और जो भी है वो पूरा प्रदेश जो है वो एकजुट होकर ये मांग कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना वादा निभाकर हमारा भविष्य सुरक्षित। आज कितने अतिथि विद्वान आने की संभावना है आपके? आज कम से कम 800,000 अतिथि विद्वान इस धरने में हमारे उपस्थित हो रहे हैं। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।